देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बीते महीने गिरावट दर्ज की गई है। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI मार्च में घटकर 54.0 पर आ गया। ये फरवरी में 54.9 पर था। हालांकि ये अभी भी 50 के ऊपर है, जिसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विस्तार हुआ है, लेकिन ये ग्रोथ फरवरी के मुकाबले कम रही है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चिंताएं बढ़ गई हैं। महंगाई में और इजाफा होने से डिमांड घटने का खतरा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर होगा। S&P ग्लोबल के मुताबिक मैन्युफैक्चरर से मिले संकेतों के हिसाब से मार्च में नए ऑर्डर में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन बढ़ोतरी की रफ्तार 6 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही नए निर्यात ऑर्डर मार्च में कमजोर हुए, जिससे इन ऑर्डर में लगातार 8 महीनों की ग्रोथ पर ब्रेक लग गया। नए निर्यात ऑर्डर 9 महीनों में पहली बार कम हुए हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की हालत खराब नहीं हुई है। कोरोना काल में बुरी तरह लुढ़कने के बाद वापस पटरी पर लौटने की कोशिश में जुटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2021-22 के आखिर में कमजोर हुई है। इसकी वजह इनपुट कॉस्ट में हुआ इजाफा भी है। केमिकल्स, एनर्जी, कपड़े, खाद्य पदार्थों और मेटल की लागत फरवरी के मुकाबले ज्यादा रही है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी हालात को नाजुक बना रही है। दरअसल बढ़ती उत्पादन लागत का बोझ ग्राहकों पर पड़ सकता है। फिलहाल तो डिमांड इस महंगाई को थाम कर रखे हुए है, लेकिन अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो आगे डिमांड पर दबाव देखने को मिल सकता है, तब आर्थिक रफ्तार को भी जोर का झटका लग सकता है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।